नमस्कार शिक्षक साथियों, NIVS के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम समूह अधिगम का प्रबंधन इस विषय पर चर्चा करेंगे। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ इग्नू के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गौरव सिंह जी हैं। डॉक्टर गौरव सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ जी। इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे, समूह अधिगम क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऋषभ जी, हमारे शिक्षक जानते हैं कि जब वे कक्षा में जाते हैं तो वे अधिकांश समय जिस अधिगम प्रणाली का प्रयोग करते हैं वो एक तरह का समूह अधिगम ही होता है। लेकिन जब हम समूह अधिगम प्रविधि की बात करते हैं तब हमारे शिक्षार्थियों और शिक्षकों को ये जानना आवश्यक है कि समूह अधिगम सामान्य कक्षा अधिगम से किस प्रकार भिन्न है। क्योंकि कक्षा अधिगम में पूरी कक्षा एक समूह होती है, जबकि समूह अधिगम में हम समूह अधिगम का प्रयोग एक प्रविधि के रूप में कुछ विशिष्ट विषय वस्तु या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। सामान्यतः हमारी कक्षा एक समूह होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकांशतः शिक्षक सामूहिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। समूह में सीखने का एक लाभ ये होता है कि हमारे विद्यार्थी जो कक्षा में सीखते हैं वो केवल शिक्षक से ही नहीं सीखते बल्कि वे अपने संगी साथियों से भी सीखते हैं। और जब हम समूह अधिगम की बात करते हैं, समूह शिक्षण की बात करते हैं, तो एक चीज हमें और जाननी आवश्यक है कि समूह का अपना एक विशिष्ट सामूहिक व्यवहार होता है और समूह का अपना एक विशिष्ट अधिगम स्वरूप होता है जो व्यक्तिगत अधिगम स्वरूप से पूर्णतया भिन्न होता है। समूह अधिगम, आपने पूछा कि समूह अधिगम की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, मानव जो है वो स्वभाव से सामाजिक होता है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने यह कहा भी है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, कि मनुष्य पशु तो है लेकिन वो सामाजिक पशु, अर्थात उसमें सामाजिकता का पुट होता है। ये सामाजिकता क्या होती है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो सामाजिकता क्या है? सामाजिकता है एक दूसरे से, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से मदद लेते हुए, एक दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता लेते हुए समाज में रहकर सबके साथ आगे बढ़ना, यही सामाजिकता है। तो मानव स्वभाव से सामाजिक होता है। और ज्ञान भी सामाजिक होता है, क्योंकि ज्ञान के बारे में कहा जाता है व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान भी बांटने और बढ़ाने का साधन है। ऐसे में समूह अधिगम क्यों सफल नहीं होगा? मनुष्य की प्रकृति सामाजिक है, जो सीखना है वह बांटने से बढ़ता है। तो हम आपस में मिलजुल कर सीखें, एक दूसरे से बांट कर सीखें, इसलिए समूह अधिगम परम आवश्यक है। साथ ही कक्षा में जो वातावरण है, यदि समूह अधिगम प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है तो कक्षा के वातावरण में सामाजिकता का भाव आ जाता है। एक तरह से कक्षा में सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है। साथ ही बहुत सारे जीवन कौशल जो सामाजिक कौशलों की श्रेणी में आते हैं, जैसे सहयोग, सामंजस्य, एक दूसरे के विचारों का आदर करना, दूसरे की बात सुनना, अपनी बात दूसरों को कहना, भाषा सौम्यता, तमाम इस प्रकार के कौशल हैं जो बालक समूह अधिगम के माध्यम से सीखते हैं और जीवन भर समाज के अंग के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। तो समूह अधिगम की इसलिए भी आवश्यकता है कि यह सामाजिक कौशलों के विकास में परम आवश्यक होती है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हुए आपने समूह अधिगम के औचित्य को विस्तार से समझाया। मैं ये जानना चाहूंगा कि समूह अधिगम के अभिलक्षण क्या होते हैं? जी, अभिलक्षण कहिए या यूं कहिए कि समूह अधिगम को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि समूह अधिगम हमारे किस प्रकार ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। जैसे यदि आपके विद्यालय में बहुत कम संसाधन हैं या सीमित संसाधन उपलब्ध हैं और यदि आप व्यक्तिगत अधिगम प्रणालियों का प्रयोग करेंगे तो शायद सभी संसाधनों का प्रभावी प्रयोग बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर साहित्य अधिगम प्रणाली का ही प्रयोग करना है और आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं परंतु कंप्यूटर 10 ही हैं। यदि आप हर बच्चे को एक कंप्यूटर पर काम करने को देंगे तो शायद 10 बच्चे ही एक बार में काम कर पाएंगे, या यदि आप उनका समय सारणी निर्धारित करेंगे तो कई दिनों के बाद दूसरे बच्चों का नंबर आएगा। लेकिन यदि आप समूह अधिगम प्रणालियों का प्रयोग करें, 3-3 बच्चों के 10 समूह बना दें,
तो तीन बच्चे आपस में चर्चा करके उन्हीं 10 कंप्यूटर पर ठीक प्रकार सीख सकते हैं। अर्थात उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग करने में समूह अधिगम प्रणालियां बहुत मदद करती हैं। दूसरा, समूह अधिगम प्रणालियों के प्रयोग से ज्ञान, कौशल, विचार, अनुभव, इन सब का आपसी आदान प्रदान होता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक सर्वज्ञानी नहीं होता, सभी बालकों में समान प्रकार के कौशल नहीं होते, सभी के विचारों में भिन्नता होती है, सभी के अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकांशतः हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, परंतु जितना हम अपने अनुभवों से सीखते हैं इतना ही हम दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं। लेकिन दूसरों के अनुभवों से हम कब सीखते हैं? यदि उन अनुभवों का आदान प्रदान किया जाए। तो समूह अधिगम प्रणालियां या समूह अधिगम के जो अनुप्रयोग हैं वे अनुभवों के आपसी आदान प्रदान का अवसर उपलब्ध कराते हैं, साथ ही कौशलों के विकास में भी मदद करते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है। एक और लाभ होता है, यदि हम व्यक्तिगत अधिगम प्रणालियों का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम जिस विद्यार्थी के साथ उस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं या जिस विद्यार्थी के साथ वो व्यक्तिगत अधिगम कर रहा है वह अपनी त्रुटियों की तत्काल पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि पहचान करने के लिए उसको किसी और की आवश्यकता भी होती है। हालांकि स्वमूल्यांकन के अवसर होते हैं, लेकिन स्व आकलन या स्वमूल्यांकन के अवसरों में कुछ हद तक ही आप अपनी त्रुटियों का पहचान कर सकते हैं। परंतु यदि आप समूह में कार्य करते हैं तो समूह के आपके साथी ही आपकी त्रुटियों की तत्काल पहचान करने में आपकी मदद करते हैं, और जिससे विद्यार्थियों की त्रुटियों की तत्काल पहचान हो जाती है और उनका संधान भी संभव हो जाता है। साथ ही जब सहभागी रूप से शिक्षण होता है, जब सामूहिक रूप से शिक्षण होता है, तो दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व विकसित होते हैं। एक तो समूह के उत्तरदायित्व और समूह की सफलता में व्यक्तिगत भागीदारी कितनी होगी, अर्थात व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भी अनुभूति समूह अधिगम में होती है। यह समूह अधिगम का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। साथ ही जब हम एकांत में सोचते हैं या हमारे विद्यार्थी या हमारे शिक्षक जब एकल रूप से सोचते हैं तब उनके जो विचार विकसित होते हैं या तब उनमें जिन समाधानों का सृजन होता है उससे अधिक विचारों और समाधानों के सृजन के तब अवसर उपलब्ध होते हैं जब वे समूह के साथ होते हैं। क्योंकि कई बार सामूहिक चर्चा करते समय अचानक हमारे मस्तिष्क में कोई समाधान विकसित हो जाता है जो समाधान सामान्यतः हम अकेले चिंतन करते समय शायद न ढूंढ पाते। तो वैकल्पिक विचारों और वैकल्पिक समाधानों के अवसर भी समूह अधिगम में उपलब्ध होते हैं। ये समूह अधिगम का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जी, आपने जिन अभिलक्षणों को बताया वह हमारे रोजमर्रा की कक्षा के लिए लाभप्रद जान पड़ते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि समूह अधिगम के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं आती हैं। जी ऋषभ जी, जब हम सामूहिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करते हैं और समूह अधिगम की प्रणालियों का प्रयोग करते हैं एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में, तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है और ध्यान रखना चाहिए। जैसे समूह अधिगम की एक विशेषता है कि समूह अधिगम में एक से अधिक बच्चे एक साथ कार्य करते हैं। समूह अधिगम की जितनी भी क्रियाकलाप हैं उनमें एक से अधिक बच्चों को एक साथ एक समूह में रखना होता है। परंतु यदि कक्षा में बच्चों के बीच पर्याप्त तालमेल नहीं है या हमने जिन बच्चों को एक समूह में रखा है उन बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा वैचारिक भिन्नता है, वो एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के विचारों का स्वागत करने को तैयार नहीं है, यदि वहां बच्चों के बीच तालमेल नहीं है तो फिर समूह क्रियाकलाप कई बार सफल अपने उद्देश्यों में नहीं हो पाते। तो शिक्षकों को यहाँ पहली समस्या है जिसका समाधान ढूंढना होता है, बच्चों में पर्याप्त तालमेल कैसे हो। दूसरी जो एक वास्तविक समस्या है वह भागीदारी में बराबरी सुनिश्चित ना हो पाना। जब हम भागीदारी में बराबरी सुनिश्चित ना हो पाना ऐसी समस्याओं की बात करते हैं तब हम इसमें बात करते हैं कि जब हम समूह बनाते हैं तो कई बार समूह बनाते समय समूह में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उतनी तेजी से या उतना अधिक सक्रिय नहीं हो पाते। तो कई बार कुछ बच्चे पूरे समूह में जो कार्य सौंपे गए हैं उसमें ज़्यादा हिस्सा अपने आप कर लेते हैं और कुछ बच्चों को उतनी भागीदारी के अवसर नहीं मिल पाते। अब ये अध्यापक पर है, ये शिक्षक पर है कि वो किस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित करें और कैसे बच्चों की भागीदारी में बराबरी सुनिश्चित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की बराबरी
की भागीदारी सुनिश्चित करना ये एक बड़ी समस्या है एक अध्यापक के सामने, उसका समाधान अध्यापक को ढूंढना होता है। साथ ही कई बार क्या होता है कि यदि हम किसी ऐसे विषय पर समूह चर्चा कर रहे हैं, सामूहिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिस चर्चा में व्यक्तिगत विचार अपनी परंपराओं के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण या अपने अनुभवों के कारण या उस परिवेश के कारण जिस परिवेश से बच्चे आ रहे हैं उनके प्रभाव के कारण यदि व्यक्तिगत विचारों में सर्वथा भिन्नता है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग विचार हैं, तो फिर सामूहिक विचार विमर्श में कई बार समस्या आ जाती है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। कार्य में व्यवस्थित उपागम ना होना, कार्य कैसे किया जाना है, कार्य को किसको कितना करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, यदि इसका स्पष्ट निर्धारण न किया जाए, यदि इसकी सही अप्रोच ना अपनाई जाए, तो भी सामूहिक क्रियाकलापों के प्रबंधन में अध्यापकों के समक्ष समस्या आ जाती है। कई बार जब कोई क्रियाकलाप समूह को दिया जाता है तो समय के साथ उसमें निरंतर परिवर्तन आते चले जाते हैं, या क्रियाकलाप समूह में विद्यार्थियों को ठीक से समझ में नहीं आता, अस्पष्ट रूप से उनको समझ में आता है, या क्रियाकलाप करते करते कभी कभी अध्यापक और कभी कभी शिक्षार्थी विद्यार्थी अपना जो निर्णय की विधि है उसमें बदलाव कर लेते हैं, तो यदि ये निरंतर परिवर्तन होते रहें तो फिर क्रियाकलापों के प्रबंधन में एक वास्तविक समस्या खड़ी हो जाती है। एक और बड़ी समस्या जो सामूहिक क्रियाकलापों के प्रबंधन में हमारे शिक्षकों के समक्ष आती है, चूंकि सामूहिक क्रियाकलापों के जब हम अभिलक्षणों की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि सामूहिक क्रियाकलाप अध्यापकों को तात्कालिक मूल्यांकन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसमें मूल्यांकन वहीं हो जाता है, साथी मूल्यांकन कर लेते हैं, अध्यापक मूल्यांकन कर लेते हैं, स्व मूल्यांकन भी हो जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि ये जो तात्कालिक मूल्यांकन होता है वह थोड़ा अपरिपक्व होता है, उस मूल्यांकन में परिपक्वता का अभाव होता है। तो ऐसे में अब शिक्षकों पर है कि वो कैसे बच्चों में पर्याप्त तालमेल सुनिश्चित करें, कैसे ये सुनिश्चित करें कि जो भी कार्य समूह में दिया गया है, जो सामूहिक क्रियाकलाप निर्धारित किया गया है, उसमें सभी बच्चों की भागीदारी बराबरी की हो, व्यक्तिगत विचारों के भिन्न होने पर ऐसी परिस्थितियों को कैसे व्यवस्थित करें, कार्य का उपागम कैसे व्यवस्थित करें, स्पष्टता कैसे लाएं, निर्देशों में स्पष्टता लाएं, परिवर्तनशीलता को कम करें और मूल्यांकन के विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करें जिससे कि तात्कालिक मूल्यांकन के अपरिपक्व होने पर उसके दुष्परिणाम या उसके दुष्प्रभाव पूरे समूह के क्रियाकलाप के पूर्ण होने पर ना पड़े। आपने विस्तार से बताया कि इसके क्रियान्वयन में क्या समस्याएं आती हैं और लगातार आप इस बात पर बल दे रहे थे कि इन समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ता है जी। इसी क्रम में मैं जानना चाहूंगा कि समूह अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है जी। जब हम समस्याओं की बात कर रहे थे तो शायद शिक्षकों की भूमिका का हमने एक तरह से रेखांकन वहां कर लिया, हमने ये तय कर लिया कि हमारा शिक्षक कैसे काम करेगा, उसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना है। फिर भी जब समूह अधिगम के प्रबंधन की हम बात करते हैं तो शिक्षकों को समूह अधिगम प्रणालियों का उपयोग करने के लिए या समूह अधिगम के क्रियाकलापों का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पहला काम करना पड़ता है उसको समूहों का निर्माण करना पड़ता है, ग्रुप फॉर्मेशन, फिर समूहों में पर्याप्त कार्य विभाजन हो, साथ ही यदि आप समूहों में कार्य करा रहे हैं या सामूहिक क्रियाकलापों का आयोजन कर रहे हैं तो उस सामूहिक क्रियाकलाप के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं, उन आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये भी शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक का कार्य है। साथ ही समूह में आपस में संप्रेषण कैसे होगा, समूह जो निर्धारित करेगा उनका संप्रेषण अन्य समूहों में और शिक्षक के साथ कैसे होगा, तो संप्रेषण की प्रणाली सुनिश्चित करना ये भी समूह अधिगम में शिक्षक की भूमिका है। और अधिगम परिणामों का समेकन और संचयन कैसे होगा, जो जो बच्चे सीख रहे हैं उसके जो परिणाम आ रहे हैं सीखने के, वो परिणाम कैसे इकट्ठे किए जाएं, कैसे उनका मूल्यांकन आकलन किया जाए, ये सारे काम हैं जो शिक्षक को करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक होने के नाते यदि एक शिक्षक सामूहिक अधिगम की बात कर रहा है तो उसको ये सब चीज़ें सीखनी बहुत आवश्यक हो जाती हैं। शिक्षक की इस भूमिका के साथ साथ आपने समूह निर्माण की प्रक्रिया पर बल दिया जी, यह उचित जान पड़ता है कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें कि समूह अधिगम में समूह निर्माण के क्या आधार होते हैं। जब भी हमारे शिक्षकों को समूहों का निर्माण करना पड़ता है तो समूहों के निर्माण के बहुत सारे आधार हो सकते हैं, ये शिक्षकों पर तय करना है कि उनको किस प्रकार की विषय वस्तु या किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के समूहों का निर्माण करना है।
यदि हम सामान्य रूप से देखें जो भी अध्यापक समूह अधिगम प्रणालियों का प्रयोग करते हैं उनकी कक्षाओं को देखें, तो हम पाएंगे कि वो तीन चार तरह से समूहों का निर्माण करते हैं। जैसे कई बार वे समूहों का निर्माण करते हैं योग्यता के आधार पर, विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर। कई बार वे समूहों का निर्माण करते हैं बच्चों की रुचि के आधार पर। कई बार वे समूहों का निर्माण करते हैं बच्चों की इच्छा के आधार पर। और कई बार वे समूहों का निर्माण एक मिश्रित समूह के रूप में करते हैं। मैं इन पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालना चाहता हूं। जब हम योग्यता के आधार पर समूहों के निर्माण की बात करते हैं, तो योग्यता के आधार पर समूहों के निर्माण को समरूप समूहीकरण भी कहा जाता है। अर्थात यदि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, तो शिक्षक व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर बच्चों का चयन करते हैं और एक जैसी योग्यता रखने वाले बच्चों को एक समूह में रखा जाता है। ऐसे में होता क्या है कि उनको जो कार्य दिए जाने हैं, जो क्रियाकलाप दिए जाने हैं, उनका निर्धारण करते समय भी शिक्षक को यह ध्यान रखना होता है कि उस समूह को उसी प्रकार का कार्य दिया जाए जिस प्रकार का कार्य करने की योग्यता किसी समूह में है। अर्थात उनके न केवल समूह योग्यता के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए गणित में आप उपचारात्मक शिक्षण की युक्ति के लिए समूह अधिगम का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपने जब निदानात्मक परीक्षण करके ये जांच लिया कि किस किस प्रकार के क्षेत्र हैं या किन बिंदुओं पर विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, तो जिन विद्यार्थियों को एक प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है, आवश्यकता है, उनको हम एक समूह में रख देते हैं। जिनको थोड़ा कठिनता स्तर ज़्यादा रखना है, अलग प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, उनको हम दूसरे समूह में रख देते हैं। तो उनको फिर क्रियाकलाप भी वैसे ही दिए जाते हैं, अर्थात आवश्यकताओं के अनुसार और योग्यता के अनुरूप फिर हम क्रियाकलापों का निर्धारण करते हैं। इसलिए खासतौर पर जो संवर्धन और उपचारात्मक शिक्षण होते हैं और संवर्धन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण किया जाता है, उसमें योग्यता के आधार पर समूहों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है रुचि के आधार पर समूहों का निर्माण। कई बार शिक्षक को यह ध्यान रखना होता है कि मेरी कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि कैसी है, वह रुचि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, वह रुचि अध्ययन क्षेत्र में भी हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे लिखकर अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे क्रियाकलाप करके अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़कर अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने में ज्यादा रुचि लेते हैं, जैसे कार्टून वाली पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेते हैं या चित्रकथाएं पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो बच्चों की अधिगम रुचियां भी भिन्न होती हैं, ना केवल अधिगम रुचियां बल्कि अन्य क्रियाकलापों करने की रुचियां भी भिन्न होती हैं। तो ऐसे में शिक्षक क्या करते हैं कि वो विभिन्न रुचियों वाले बच्चों की पहचान करते हैं और एक जैसी रुचि रखने वाले बच्चों को एक समूह में रख देते हैं। जिनकी एक जैसी रुचि है उनका एक समूह बना दिया, जिनकी भिन्न प्रकार की रुचि है उनको एक समूह में बना दिया, जिनकी किसी और प्रकार की रुचि है उनका एक और समूह बना दिया। तो ऐसे में एक जैसे रुचि वाले बच्चे एक समूह में आ जाते हैं और फिर क्रियाकलापों का निर्धारण और वितरण भी उसी प्रकार होता है कि जिस प्रकार की रुचि वाले बच्चों का समूह बनाया गया है उसी प्रकार के क्रियाकलाप उस समूह को दिए जाएं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बच्चों की जो व्यक्तिगत रुचियां हैं या जो उनके कौशल हैं उनको विकसित करने में रुचि के आधार पर समूहों का निर्माण बहुत मदद करता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों की रुचि पेंटिंग में है, कुछ बच्चों की रुचि लेखन में है, कुछ बच्चों की रुचि कविता पाठ में है, तो आप तीनों समूहों के लिए अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों का निर्धारण करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति होगी जो आपका मुख्य उद्देश्य है, साथ ही आपका यह भी उद्देश्य है कि बच्चों के रुचि क्षेत्रों को विकसित किया जाए। तो बच्चों को अपने विषय क्षेत्रों में अपनी रुचि क्षेत्रों के अनुप्रयोग करने का अवसर मिलेगा, तो उससे उनकी व्यक्तिगत रुचियां भी विकसित होंगी और उनके रुचि क्षेत्रों में उनके कौशल भी अधिक विकसित होंगे। तीसरा होता है इच्छा के आधार पर समूहों का निर्माण। जब हम इच्छा के आधार पर समूहों के निर्माण की बात करते हैं ऋषभ जी, तब बच्चों को यह छूट दी जाती है कि वो कैसा समूह बनाना चाहते हैं और अपने किस साथी को अपने समूह में रखना चाहते हैं। बाकी दोनों एक तरह से अध्यापक केंद्रित व्यवस्था थी कि रुचियों की पहचान भी अध्यापकों को करनी थी, योग्यताओं की पहचान भी अध्यापकों को करनी थी और समूहों का निर्माण भी अध्यापकों को करना था। यहां बच्चों को ही अवसर दे दिए जाते हैं, ठीक है चार चार के मुझे समूह बनाने हैं, 40 बच्चे हैं, कोई चार बच्चे एक साथ आ जाओ। तो ऐसे में क्या होता है, वो चार बच्चे एक साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके बीच सामंजस्य है, समन्वय है, जो एक दूसरे की सम्मान करते हैं,
एक दूसरे की बात सुनते हैं। ऐसे में क्या होता है, तो सामूहिक कार्य करने की भावना बढ़ जाती है, साथ ही समूह के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो और कार्य पूर्ण करने में वो अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का अनुभव करने लगते हैं। तो कई बार कुछ यदि इस प्रकार के कार्य कराने हैं जिनका कठिनता स्तर समान है, मान लीजिए, या एक जैसा ही क्रियाकलाप कराना है लेकिन समूहों में कराना है, तो फिर ऐसे में जब हम समूह बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार समूह बनाने दें। ऐसा नहीं कि सदैव इसी आधार पर बनाएं, मैंने कहा हर एक प्रकार से समूह बन सकते हैं, ये निर्भर करता है किस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए समूह बनाया जाना है। चौथा इसमें प्रकार है मिश्रित समूह निर्माण। अधिकांशतः शिक्षक इसी प्रकार के समूहों के निर्माण की बात करते हैं। मिश्रित समूह निर्माण का मतलब है, जिनको हम संयोगिक समूह निर्माण भी कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ठीक है, अभी 30 बच्चे हैं, 1 से 30 तक गिनती गिनो, 1, 4, 7 इस संख्या वाले एक समूह में अलग आ जाओ, कुछ को एक कदम पीछे हटा दिया, कुछ को एक कदम आगे बढ़ा दिया और फिर तीनों को मिलाकर बना दिया, या रेंडमली हमने यादृच्छिक रूप से 3-3 बच्चों के समूह बना दिए, या जानबूझकर हमने देखा कि 3-4 प्रकार की योग्यताएं हैं, किसी की लेखन में अच्छी योग्यता है, किसी की पठन में अच्छी योग्यता है, किसी की भाषण में अच्छी योग्यता है, किसी की चीज़ों का रिकॉर्ड बनाने में अच्छी योग्यता है, रिकॉर्ड लिखने में बड़ी, तो हम हर एक समूह से एक एक बच्चा ले लेंगे ताकि हर समूह में एक अच्छा वक्ता रहे, एक अच्छा रिकॉर्ड लिखने वाला रहे, एक अच्छा अन्वेषक रहे। ठीक, तो भिन्न योग्यता वाले बच्चों को अभी हम समूह निर्माण कर सकते हैं। जब हम भिन्न योग्यता वाले बच्चों के समूह निर्माण करते हैं तो उसमें हमें लाभ क्या होता है ऋषभ जी? उसमें हमें लाभ ये होता है कि हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, त्रुटि समाधान के अवसर रहते हैं। साथ ही कक्षा में कोई कमजोर बच्चा है और वो ऐसे समूह का हिस्सा है जिसमें कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, तो कमजोर बच्चे की भी, कमजोर सहयोगी की भी मदद उसमें हो जाती है, और साथ ही सामाजिक कौशलों का अच्छा विकास हो जाता है जब हम मिश्रित रूप से समूह निर्माण की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखें, हम व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर समूहों का निर्माण कर सकते हैं, व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर समूहों का निर्माण कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ एक और चीज है जिसको मैं बताना चाहता हूं कि समूह अधिगम में संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होगी, इस आधार पर भी समूहों का निर्माण किया जाता है और समूह अधिगम में इनका ध्यान रखा जाता है। मैं दो प्रकार के संप्रेषण प्रणालियों की बात करने वाला हूं, पहली है शिक्षक नियंत्रित प्रणाली और दूसरी है शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली। जो शिक्षक नियंत्रित प्रणाली होती है, इसको मैंने चित्र के रूप से दर्शाने का प्रयास किया है। चित्र में आप देखें कि प्रत्येक छात्र अपने शिक्षक के साथ अंतःक्रिया कर सकता है, प्रत्येक छात्र की अपने शिक्षक के साथ अंतःक्रिया संभव है। तो जो इस प्रकार की प्रणालियां होती हैं वह समूह अधिगम की शिक्षक नियंत्रित प्रणाली होती है, दूसरी है अधिगम की समूह नियंत्रित प्रणाली। समूह नियंत्रित प्रणाली में आप देखें प्रत्येक छात्र साथी छात्र से और प्रत्येक छात्र अपने साथी शिक्षक से अपनी बातचीत कर सकता है। तो ये दो प्रणालियां जो हैं ये बहुत अधिक प्रचलित प्रणालियां हैं जिनका प्रयोग कक्षा में समूह अधिगम के प्रबंधन में किया जाता है। आपने विस्तार से संप्रेषण के तरीके समूह निर्माण के आधार पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में मैं जानना चाहूंगा समूह अधिगम के प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं। अंत में शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि वो समूह अधिगम कैसे करें और समूह अधिगम को सफलतापूर्वक प्रबंधित कैसे करें। ये सिद्धांत तो नहीं, आप इनको एक तरह से दिशा निर्देशक तत्व कह सकते हैं, बट कई जगह इनको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक तो बहुत बड़े समूह नहीं बनाएं, समूह हमेशा आप छोटे बनाइए, 4 बच्चे 3 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे तक, 6 छात्रों तक समूह रखिए, इससे बड़े, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आप समूह बनाएंगे तो उसमें आपस में बातचीत ज़्यादा होगी, वो अपने कार्य से भटक जाएंगे। कोशिश करें विषम योग्यता वाले समूह बनाएं, अर्थात ऐसे समूह बनाएं जिसमें हर प्रकार की योग्यता वाले बच्चे रहें, कुछ कमजोर बच्चे भी रहें, कुछ सामान्य बच्चे भी रहें, कुछ तेज बच्चे भी रहें। समूह में रुचियों के आधार पर भी विविधता रखें। एक काम और आप कर सकते हैं, जब आप समूह बनाते हैं तो हर एक समूह का एक नेता होता है, एक लीडर होता है जो समूह के जो कार्य हैं उनका प्रस्तुतिकरण करता है, उसमें सबके कार्यों पर नजर रखता है, अपना काम भी करता है और सबकी मदद भी करता है। तो कोशिश करें कि प्रत्येक बच्चे को समूह का नेता बनने का अवसर मिले, इसलिए अलग अलग समय पर समूह के नेता का चयन और उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहे। समूह अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि यदि आप समूह अधिगम के आधार पर क्रियाकलाप कराना चाहते हैं कक्षा में शिक्षण के लिए,
तो आपको शिक्षक की मानसिक योग्यता के अनुरूप कार्य का निर्धारण करना होगा। शिक्षक की नहीं, छात्रों की मानसिक योग्यता के अनुरूप कार्य का निर्धारण करना होगा। क्योंकि यदि आपने जो कार्य निर्धारित किया है वह छात्रों की मानसिक योग्यता के अनुरूप नहीं है तो फिर समूह अधिगम से भी वह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। एक और बिंदु है जिसका शिक्षकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह है निर्देशों में स्पष्टता और समय सीमा में लचीलापन। शिक्षक को अपने निर्देशों में सुस्पष्टता रखनी चाहिए और समय सीमा को लचीला बनाना चाहिए। साथ ही समूह में आपने जितने भी विद्यार्थियों को सदस्य बनाया है उनके विशिष्ट उत्तरदायित्व भी उनको बताए जाएं। एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व है कि समूह को कुछ विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना है, किसी क्रियाकलाप को पूर्ण करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो सदस्य हैं उनके कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व होते हैं, उन उत्तरदायित्वों को भी उनको बताना चाहिए। साथ ही सामूहिक कार्य करते समय उनको थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उनको ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहाँ वो थोड़ा आरामदायक अनुभव कर सकें। आरामदायक से मेरा तात्पर्य है कि वे एक दूसरे के विचारों को सुनने में, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, कुछ क्रियाकलाप करने में, हर समय यदि उनको बीच बीच में टोका टाकी की जाएगी तो शायद फिर वो समूह अधिगम उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। यदि कोई समस्या भी आए तो छात्रों को समस्या समाधान के अवसर दें। सबसे पहले छात्रों को समस्या समाधान के स्वयं प्रयास करने दें, उनके सुझाव सुने और फिर उन पर प्रतिक्रिया दें। तो यदि इन सिद्धांतों का हम पालन करते हैं, इन बिंदुओं का हम पालन करते हैं, तो हम निश्चित ही समूह अधिगम को अच्छे ढंग से अपनी कक्षा में प्रबंधित कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद डॉक्टर गौरव, आपने विस्तार पूर्वक समूह अधिगम की अवधारणा, प्रबंधन के तरीके, किस प्रकार से रोजमर्रा की कक्षा में समूह अधिगम को अपनाया जाए, इन विषयों पर प्रकाश डाला। हम सभी शिक्षक साथी इस चर्चा से लाभान्वित होंगे और अपनी कक्षा में समूह अधिगम को एक विद्यार्थी केंद्रित विधि के रूप में अपनाएंगे, सीखने के अनुभवों को इसके आधार पर संवर्धित करेंगे। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी।